तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर राजनीतिक शास्त्र सेकेंड प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो बीए फर्स्ट ईयर राजनीतिक शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की थी, ये द्वितीय प्रश्न पत्र की है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यानी कि पूरा मॉडल पेपर पिछले साल का है, पिछले साल ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ तो आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि ये सर किस यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आई होप भले ही क्वेश्चन इसमें से जो बताऊँ मैं ना आए लेकिन आई होप आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं सर, तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिनके यूनिवर्सिटी में अभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं यानी कि रिटेन में आ रहा है लिखने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा, आंसर आपको खुद ही से ढूंढ के मैनेज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं लेकिन आंसर की नहीं, क्योंकि आंसर बताऊंगा तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को राजनीतिक शास्त्र में मिलेगा अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर यानी कि क्वेश्चन बैंक या सीरीज नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए, उसमें क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सहायक प्रमुख कारण तथा परिस्थितियों की विवेचना कीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवासियों के योगदान का परीक्षण कीजिए। तो अथवा करके चाहे आप ये करिएगा चाहे ये करिएगा, एक ही करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएँ आई होप आप लोगों को ऐसे ही जनरली मालूम ही होंगी। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अथवा करके दूसरा भी है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का वर्णन कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा पहला ही क्वेश्चन यानी ये वाला ही करिएगा, ये वाला मत करिएगा, क्योंकि अगर मालूम हो आ रहा हो आपको क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर करिएगा, लेकिन ये वाला आप लोगों को थोड़ा ईजी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों शक्तियों व स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन ये है, तो भारत के प्रधानमंत्री के सारे आपको बताने होंगे। ठीक है, कार्य शक्तियाँ स्थिति, उसके बाद अथवा करके आपको दूसरा भी ऑप्शन मिल जा रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको ये करिए चाहे ये करिएगा, एक ही करना है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना ही होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आई होप आपको पूरी सफलता मिलेगी एग्जाम में। भारत में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार पर एक निबंध लिखिए। भारत में जो निर्वाचन, ठीक है, व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई भी सुधार जैसे कि कोई भी अपडेट करना हो या कराना हो तो उसके ऊपर आप लोगों को एक निबंध लिखना, जैसे आप लोग ऐसे लिखते नहीं कि बचपन में लिखते थे गाय के ऊपर भैंस के ऊपर, फिलहाल वैसे ही है ये भी, लेकिन ये थोड़ा एडवांस रखा है, थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। ऑप्शन अथवा करके मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए और राज्यपाल से उसके संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यही वाला आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जो आपको आ रहा हो वो लिखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लिखिएगा। ठीक है, इसलिए इसमें दो ऑप्शन होते हैं अथवा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जातिवाद पर एक निबंध लिखिए। तो भारतीय राजनीतिक शास्त्र आप पढ़ ही रहे हैं, तो भारतीय राजनीति में जातिवाद पर एक निबंध लिखना है, जातिवाद का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ठीक है, राजनीतिक को लेकर तो जातिवाद पर आपको एक निबंध लिखना है, अच्छे से निबंध लिखिएगा, क्यों मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कम से कम 2.5 से 3 पेज में लिखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सब लॉन्ग वाले हैं। ठीक है, अगर आप जितना ही लॉन्ग लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, भले ही आप बीच में कुछ लिख दें इधर उधर का, मान लो बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पहला आपका पेज होना चाहिए और लास्ट का वो अच्छे से ही होना चाहिए। ठीक है, डीपली लिखिएगा। अथवा करके आपका नाम आपको दूसरा भी मिल जा रहा है, भारतीय राजनीति को क्षेत्रवाद कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको जो आ रहा है वो लिख दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर प्रोवाइड कराइए, मॉडल पेपर दीजिए, वीडियो बनाइए, तो मैंने फाइनली कोशिश करके आप तक प्रोवाइड कर दिया। आई होप अब ये पीडीएफ बाकी है, अभी मैं बता रहा हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं मैं देख लेता हूँ पहले। तो फिलहाल इस पेपर में यानी कि 5 ही क्वेश्चन थे। फिलहाल ऐसे ही आते हैं 5-6, किसी बार इस बार हो सकता है 6 हो जाएँ, 7 हो जाएँ, 8 हो जाएँ, लेकिन 10 के करीब ही रहते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होते हैं रिटर्न वाले। ठीक है, तो अथवा करके आप लोगों को एक चांस ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर दीजिए। बस इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो तैयारी करके जाएंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, डेली मैं शाम को 7 बजे के बाद मेरी क्लासेज अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, मैं ये सारी क्लासेस 7 बजे के बाद अपलोड कर देता हूँ डेली, तो आप वो क्लासेस अटेंड करिए। आई होप आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और डिस्कशन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे ज्वाइन होकर आप हर प्रकार की कोई भी अगर नोटिफिकेशन, कोई भी अगर जानकारी आती है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ, तो आप उससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही जानकारी देनी थी दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।